यहाँ मैं आपको जो है यातायात संकेत के बारे में बताऊंगा। इसको हम सड़क की भाषा बोलते हैं। सड़क की भाषा दो प्रकार की होती है। एक जो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यातायात सड़क संकेत। ठीक, ये सड़क संकेत जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आदेशात्मक, दूसरा है चेतावनी और तीसरा है सूचनात्मक। जो आदेशात्मक सड़क संकेत होते हैं वो जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोल तरह के होते हैं, और जैसा ये है ये वन वे का है, ये वन वे, ये जो है पूरा जो दोनों तरफ का वाहन प्रवेश निषेध है, इसमें एक रास्ता खुला हुआ है, आने वाला रास्ता बंद है, यहाँ पर सभी वाहन प्रवेश निषेध है, यहाँ पर ये हॉर्न बजाना मना है, पार्किंग निषेध, रुकना मना है, प्रवेश निषेध, गति सीमा समाप्त। जहां ये आपको गति सीमा का बोर्ड मिलता है उसके आगे गति सीमा समाप्त का बोर्ड मिलेगा, जिसके बाद ये जो एक क्षेत्र होता है जहां पर हमको निश्चित गति सीमा में चलना है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो आदेशात्मक जो सड़क संकेत होते हैं ये हमको ज्यादातर जो है कहाँ मिलते हैं, शहर के अंदर मिलते हैं, और हमको इनका पालन करना आवश्यक है। यदि हम पालन नहीं करेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, जो यातायात पुलिस करती है या पुलिस करती है। इसके बाद जो ये चेतावनी है, चेतावनी का जो आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल में होते हैं, ठीक है ना, जैसे दाएं मुंह बाएं मुंह आप देख रहे हैं, ये यू टर्न का है ना, ये भी यू टर्न का है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये पशु क्षेत्र है, ये चढ़ाई का है, ये उतार है, ये आगे सगरी पुलिया है, आगे चौड़ी सड़क है, ये सगरी पुलिया का हो गया, फिसलती हुई सड़क। इसके अलावा जो है ये बिना गार्ड छोटी रेलवे लाइन है, सिंगल लिखा हुआ है इसलिए ये छोटी रेल लाइन हो गई, डबल है तो ये क्या हो गई, बड़ी रेलवे लाइन हो गई बिना गार्ड की। अगर ऐसा फाटक है तो क्या है यहाँ पर कि रेलवे फाटक है कौन सा, छोटी सड़क का, और ये जो है बड़ी सड़क का है। ठीक, इस प्रकार से जो जो ट्रायंगल में जो होते हैं इसको हम बोलते हैं चेतावनी, ये सड़क संकेत। ठीक, ये आपको जहां पर भी सड़क पर दिखते हैं वहां पर आपको क्या होना है, वाहन चालक को अलर्ट होना है, क्योंकि ये जो है ये हमको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं कि आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, आगे खतरनाक मोड़ है, तो हम अलर्ट होकर के अपना वाहन चलाएं। अगर इसका पालन वाहन चालक नहीं करता है और लापरवाही करता है तो वो क्या होगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं इसको सूचनात्मक, सूचनात्मक सड़क यातायात सड़क संकेत है, जिनमें आप देख रहे हो कि क्या है, जैसे पार्किंग के हैं, उसके बाद जो है आपका ये रेड क्रॉस आपने देखा है, अस्पताल के बाद बताएगा बेड है, मतलब क्या है ये दवा खाना है, फिर उसके बाद ये जो आपको छुरी का दिख रहा है ये आगे रेस्टोरेंट बता रहा है, इसके बाद ये जो है पेट्रोल पंप का है, फिर वो सामने दूरभाष का है, इसके अलावा ये जो दूरी बताते हैं डेस्टिनेशन की दूरी बताते हैं आपकी, ये भी जो है इसमें आते हैं इंफॉर्मेटरी या सूचनात्मक कहलाते हैं। ठीक है, इनसे हमें जो है जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो हमको क्या होता है कि सूचनाएं मिलती है कई प्रकार की, ठीक है, जो वाहन चालक को आवश्यक सूचना है वो उनके द्वारा मिलती है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि एक आपने सड़क पर चलते हुए देखा होगा सड़क में लाइनिंग होती है, तो वो भी सड़क की क्या होती है, भाषा कहलाती है। ठीक, सड़क जो है मुखी होती है, मुख होती है, लेकिन वो आपको लाइनिंग के माध्यम से, सड़क संकेत के माध्यम से क्या करती है, आपको इशारा करती है कि आप कैसे वहां पर चलें। तो जो आप सड़क के किनारे जो लाइन देखते हैं उसको हम बोलते हैं एज लाइन, जो सड़क की सीमा बताती है कि ये सड़क है यहाँ तक। ठीक, इसके बाद एक सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन कहीं आपने डॉटेड देखी होगी, कहीं आपने सीधी एक सिंगल लाइन देखी है, और कहीं पर डबल लाइन देखी है। जहां पर सिंगल डॉटेड लाइन होती है उसको वाहन चालक इस पार से उस पार या उस पार से इस पार जा सकता है, लेकिन जहां पर सिंगल लाइन है जो लगातार है उसको आवश्यकता पड़ने पर ही क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो उसको क्रॉस नहीं करना है। जहां पर डबल लाइन हो जाती है वहां पर उसको क्रॉस नहीं करना है, इस पार से उस पार वाहन चालक को नहीं जाना है।
इसी प्रकार जो है कई जगह पर जो है पार्किंग की भी लाइनें डली रहती हैं, आपने देखा होगा एरो बने रहते हैं। अगर एरो ऐसा लेफ्ट तरफ बना हुआ है, इसका मतलब है कि आगे जा करके हमको लेफ्ट टर्न आएगा। अगर ऐसा बना हुआ है राइट की तरफ करता हुआ एरो, तो इसका मतलब क्या है कि राइट की तरफ जो है आगे से टर्निंग है, ठीक। अगर ऐसा टी बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आगे जा करके क्या होता है, मतलब जंक्शन है, रोड जंक्शन है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपने कई प्रकार की लाइनें देखी होगी। इसी प्रकार जैसे टर्निंग है, जहाँ मोड़ होता है, मोड़ में एक तरफ सिंगल लाइन है और एक तरफ डॉटेड लाइन है, तो जो डॉटेड लाइन की तरफ से जा रहा है उसको उस पार जो है बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो सकता है वहां पर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वहां पर वो लाइनिंग डाली जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब हम कभी सड़क पर चलते हैं और हमको सुरक्षित वाहन चालन करना है, तो हमें सड़क की भाषा, जो सड़क हमको इशारा कर रही है, इशारा किससे कर रही है, संकेतों से कर रही है, तो संकेत उसके क्या है, यही तीन प्रकार के संकेत हैं। और जो सड़क की जो लाइनिंग है, तो उस लाइनिंग से, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है ना, सड़क की लाइनिंग में क्या होता है, शहर में आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, तो स्टॉप लाइन पे क्या होता है, जब रेड सिग्नल होता है तो वाहन चालक को स्टॉप लाइन पे रुकना है, और जो पैदल चलने वाले हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करना है। तो हमें जो है सड़क की भाषा के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि हम सड़क पर सुरक्षित पैदल चलें या सुरक्षित वाहन चलाएं।